रिलीज दिस रिपोर्ट इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देन यहाँ पे आपको डायमेंशन के बारे में पूछा जा रहा है मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडिया इंडिया uh, you know, किसका है अलायंस ऑफ ग्लोबल जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी इवेंट तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग होता है ये पर्टिकुलर चीज साइन किया गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अलाइंस ऑफ ग्लोबल जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी सो बेसिकली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सारी चीजें था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग होता उसमें दिस थिंग्स वेर तो यहाँ पे यू कैन सी द टू कोलैबोरेट विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स टू क्लोज जेंडर गैप अक्रॉस हेल्थ एजुकेशन इंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज इन बीप इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये रिपोर्ट मेंशन किया गया है तो इंडिया का सारा जो डिटेल्स है और वर्ल्ड रिपोर्टीज दिया गया था उसके मिडिल इनकम कंट्रीज आपको पूछा गया था क्वेश्चन तो यहाँ पर था मिडिल इनकम कंट्रीज स्ट्रगल टू सस्टेन इकोनमिक ग्रोथ ड्यू टू डिमिनिटल ट्रांजिशन टू हाई इनकम स्ट्रेटेड बाई

जो स्टैटिक है वो उसमें से आपका हो जाना चाहिए था। तो ऑफ ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स ड्राइवर्स द करेंट ग्लोबल पॉलीक्राइसिस तो यहाँ पे ऑल ऑफ देंसर एंड ऑफ द लॉन्ग टर्म रिस्क्रीब्यूटिंग टू द पॉली दैट इज जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये लॉन्ग टर्म रिस्क है <coughs> देन विच ऑफ देश ऑफ इंटर कनेक्टेड रिस्क इन दफलिंग अदर्स तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडायरेक्टली वो बेसिस में भी मैंशन किया गया था तो सिमिलरली नॉट कवर्ड डायरेक्टली क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट एंड uh, आपका यूटिलाइज uh, you know, कर रहा है तो ये डायरेक्टली तो कवर्ड नहीं था लेकिन uh, जो स्टेटिक पार्ट है आपका तो फिनेंशियल क्राइसिस के ऊपर जो भी स्टेटिक पार्ट है वहाँ पे कहने कहीं ना कहीं चीजें मैंशन थी देन इको इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आपको एक पैसेज दिया गया था इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो यहाँ पे आप देखो इन नॉन फार्म से हाउ जॉब्स नीडेड टू क्रिएटेड एनुअली ये पूछा गया था जिसका आंसर है प्राइमरी फोकस फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये भी uh, you know, था नॉन फार्म सेक्टर लैंग्वेज गवर्नमेंट इनशिएटिव इज हाइलाइटेड तो मित्र टेक्सटाइल स्कीम के बारे में दिया गया था कि टेक्सटाइल सेक्टर क्या यू uh, नो you know, आपको मैं तो मित्रा टेक्सटाइल स्कीम तो यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे का समरी यू है प्रोवाइडेड ऑल्सो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पार्ट ऑफ यू नो जो भी क्वेश्चन आपको सर्वे से पूछा गया है ना कहीं आपको इकोनॉमिक सर्वे के बेस करके ही पूछा गया था तो ये सारे जो फिगर्स हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस व्हीट कॉटन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ये सर्वे आपको पूछा पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर का जीवीए क्या है एग्रीकल्चर तो इट इज क्रॉप सेक्टर तो अगेन इकोनॉमिक सर्वे इजन इसका जो एग्रीकल्चर पार्ट है इसमें ये इस सारे जो डिटेल्स है कवर्ड तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक दे रखा है एक चैप्टर ही बनाया गया था इकोनॉमिक सर्वे में ऑल्सो वी हैव कवर्ड दिस एग्रीकल्चर चैप्टर जो आपका ब्रो uh, समरी है तो वहां पे ये कवर्ड थे देन आपको एसडीजी टारगेट्स के बारे में पूछा गया है तो ये दिस इज क्लियरली मेंशन की ट्वेंटी ट्वेंटी का जो एस इंडिया इंडेक्स है इस, इसको बेस करके आपको पूछा जा रहा है तो अगेन

तो दिस इज ऑल्सो मेंशन इन पी आई बी आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट सॉरी दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपको मेन्शन किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे पूछा जा रहा है कि वट इज द ग्लोबल ग्रोथ जितना हुआ है ग्लोबल रेट कितना किया गया है दिस इज ऑल्सो मेंशन इन बी आप देख सकते हो आउटलु रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया रिपोर्ट आई का ये जो रिपोर्ट uh, के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ईच एंड एवरी फिगर्स आर इम्पोर्टेंट हम हमेशा आपको क्लासेस में बोलते रहते हैं कि आई वर्ल्ड बैंक का कोई भी रिपोर्ट आता है तो दैट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट यहाँ पे कैन सी वी हैव कवर्ड दिस इन बीपीडिया देन पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है इसका पर्पज यू नो इसके को अगर आपको पता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए we'll पोल्यूशन uh, यहाँ पे आप देख सकते हो पी एम प्रणाम स्कीम के बारे में यहाँ पे मेन्शन है कोई सेपरेट बजे uh, नहीं होता है so,

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग कैरियर सर्विस इज बिन लॉन्च इन मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट ऑपर्चुनज तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो नेशनल कैरियर सर्विस फाइव ईयर मिशन मोड प्रोजेक्ट किया गया था बाई द एम्प्लॉयमेंट मिनट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा किया गया था थीके? तो पर्पज इज टू जो ब्रिज दैप बिटवी दोड्स जॉब्स एंड दो ये गैप uh, you know, फुलफिल करने के लिए ये एन सी एस पोर्टल भी लॉन्च किया गया था नेशनल कैरियर सर्विस भी लॉन्च किया गया था ऑफलेट ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में तो आगे बढ़ते हैं

चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम था जो की सेपरेट डॉक्यूमेंट हम आपको देन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ तो पे कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी एम एन आर एफ एक्ट फ्राम द इनकम टैक्स करेक्ट एंसर तो ये कहीं पे भी हमारा डायरेक्टली कवर्ड नहीं था तो ये क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आ गया है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखो एप्लीकेंट एज एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट इज दिस इज रॉन्ग बाकी आप देख सकते हो इज ऑलरेडी एनरोल्ड इन अनदर गो जब आपको ये जो किसान मानधन योजना का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो कौन से कौन से कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है द द क्वेश्चन यू रिजेक्शन तो अगर और कोई गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में एनरोल्ड है नहीं तो टू हेक्टेस ऑफ कल्टिवेट कल्टिवेबल लैंड के ऊपर है तो देन आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसान मानधन योजना मल्टीपल लाइफ क्लासेस पीआईबी हर जगह कवर्ड है ये ये पीआईबी का एक है तो दिस इज आल्सो कवर्ड तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम के ऊपर एक पैसेज है तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टार्टअप इंडिया इज करेक्ट

आपको यहाँ पे मैं फ्लैगशिप स्कीम है तो दैट इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको यहां पे भी किया जा रहा है कि जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, uh, है नहीं है तो यू उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको कवर्ड है तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था तो ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट्स फॉर वेरियस बेनिफिट्स एंड इंसेंटिफोज डीम्ड एक्सपोर्ट्स एड फॉर ट्रेड पॉलिसी टू जीरो डीम्ड एक्सपोर्ट्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो जाते हैं तो ऑल ऑफ द फॉलोइंगल बी द करेक्ट आंसर तो फॉरन ट्रेड पॉलिसी टू जीरो टू थ्री ये uh, you know, थोड़ा पुराना न्यूज है लेकिन इट इज ऑल्सो कवर्ड इन दी आई बी एंड इसके ऊपर मल्टीपल क्लासेस भी हो चुके हैं इसका स्कीम डॉक्यूमेंट भी हमने ए, जो आपका समरी uh, डॉक्यूमेंट you know, है वो भी आपको कोर्स में प्रोवाइड किया गया था इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे ये सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं आप एक बार देख लो देन विल डिस्कस ईच क्वेश्चन एंड उसका कवरेज कहाँ पे हमारे कोर्स में था एनालाइज द कॉन्फ्नेबिलिटी एंड इकोमिक ग्रोथ द वे टू बैलेंस द बोथ तो ये आपको ये सही का पहला क्वेश्चन था यहाँ पे आप देख सकते हो इकॉनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वहाँ पे कवर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आपको सारे डिटेल्स है तो इसी को बेस करके आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी को आपको अप्रोच आप, आप, लेना था दू तो फोर्डर मेटेरियल है दट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द कोर्स वॉटर द मेजर चैलेंजेस एलिनेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट मेक अ ब्रीफ पॉलिसी सजेस्टिंग एन हाउ टू मेट दम तो अगेन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको पूछा जा रहा है अगेन आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो स्टडी uh, नोट्स है पीडीएफ फाइल्स है एंड ऑल्स बहुत सारी स्कीम्स है आगे जाकर आप देखोगे तो यहाँ पे स्कीम्स भी मैं तो यहाँ पे भी सिमिलरलीक्चर्स में भी ये बहुत डिटेल वे में यू नो कवर्ड है डिस्कस द प्रायोरिटीड इन दाइव तो सिमिलरली देख सकते हो इंटर बजे का videos भी है.

यू uh, नो you know, अगर आप इसका हेल्प लेते हो तो यू कैन राइट वेरी गुड एंसर्स वुमेन लेट डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आर इन रूरल इंडिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेंडर इशूज में यहाँ पे जो वुमेन के इश्यूज हैं एंड वुमेन अगर डेवलपमेंट में आते हैं तो ये सारी चीजें भी कवर्ड है सो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग ए आई इन द बैंकिंग सेक्टर तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एसे का फोर्डर मेटीरियल है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डे टू डे लाइफ रोल ऑफ ए आई इन बैंकिंग ये सारे चीजें है इसका जो फोर्डर मटेरियल है हाउ टू अप्रोच एवरीथिंग इज मेंशन दियर एंड ऑल्सो इन द टेक्नोलॉजी पार्ट यू कैन सी डिजिटलाइजेशन ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपको है तो यहाँ से भी आप मतलब अपना जो फोर्डर है वो कलेक्ट करके यू कुड हैव अटेम्प्टेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो ये थे ये से कि सारे क्वेश्चन एंड उसके जो सोर्सेज हैं हम क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं तो आई होप आपको अभी पता लग गया होगा कि हाउ एक्यूरेट वी आर विद रिस्पेक्ट टू आवर रिसोर्सेज एंड जो लाइफ क्लास डिस्कशंस हैं तो यहाँ उसका भी बहुत हेल्प हुआ है जो स्टूडेंट्स ने अभी तक जो फीडबैक दिया है कि लाइव क्लास में बहुत सारी चीज देखो एक तो आप पढ़ लेते हो लाइव क्लासेस में क्या होता है वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द लाइव क्लासेस मल्टी डायमेंशनल डिस्कशन भी हो जाते हैं बोथ फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी तो इसी का हेल्प लेके आवर स्टूडेंट्स हैव डन रियली वेल नाउ लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रिपेयर 50% परसेंट विद एग्जाम बी थैंक यू